अभी हम जॉलीकॉन्ग पहुंच चुके हैं। ये है जॉलीकॉन्ग, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी। यहाँ पर हमने अभी अपनी गाड़ी पार्क कर ली है, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे खाने का ऑर्डर देके यहाँ से जाएंगे ऊपर की ओर, आधी गिलास की ओर, आधी गिलास की ओर निकलेंगे यहाँ से। आधी गिलास की ट्रैक हमारी, पैदल रास्ता भी यहाँ से चालू हो चुका है, यहाँ से निकलते हैं अब हम। ये पार करके जाना है, सभी यहीं पे पहुँच चुके हैं, तो चलें आगे की ओर, आगे ट्रैक करते हैं फिर हम। अभी फोटो सेशन करके हम आगे की ओर जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा मौसम में बादल लगे हैं, फिर चलते हैं आगे की ओर। ये अन्नदौर में चल रहे हैं साथ में, और अपुदा गणेशदौर भाभी आगे पहुंच गए मंदिर के पास। उसके बाद हम उनका स्पीड काफ़ी तेज है, हम थोड़ा उसमें रुक गए थे ना फोटो सेशन के लिए, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए। अब देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, आपको फोटोज दिखाएंगे बाद में, जो ने फोटोज क्लिक भी कर रखी है वो भी दिखाएंगे। ये बस मंदिर के पास हम पहुंच ही गए, इसके बाद चलते हैं आगे की ओर, अपना ट्रैक शुरू करते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद लेके आगे की ओर निकलते हैं। हम भी दिखाते हैं आपको मंदिर, तो पहुंच गए हम मंदिर पे, शिव मंदिर पहुँच गए शिवलिंग पे, ये त्रिशूल भगवान शिव का। बर्फ बीच रास्ते में है, बाप रे, आराम आराम से चलना पड़ेगा यहाँ पे। ये मौसम भी खोलने लग गया है, सामने पे बाल छटने लग गए थोड़े बहुत, देखते हैं अभी कितनी देर हम पहुंचेंगे वापसी हमारी। आज आदि कैलाश, गौरीकुंड, पार्वती सरोवर, आज हम ये सब जगह घूमेंगे, और कल को हम ओम पर्वत जाने की सोच रहे हैं, और उसके नेक्स्ट डे पंचाचुली बेस कैंप, फिर नेपाल दारचूला, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे अपने वापस
मुंशहरी को। ये कितना प्यारा व्यू है, सबको एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ पे जब भी आए, लेकिन कचरा ना करें इस जगह पे। ग्लेशियर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय भोले, जय भोले। अब हम गौरीकुंड ये पहुंच गए। गौरीकुंड का प्यारा व्यू है, गौरीकुंड जमा हुआ है अभी सामने वाले प्रभु। जय भोले। फोटो सेशन करके अब यहाँ से थोड़ी देर टाइम बिता के अब चलते हैं यहाँ से हम गौरीकुंड। जय हो देवी माँ, जय भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान ने दर्शन दिए अपने, बहुत अच्छा था। धूप भी आने लग गई अब। जय भोले, जय भोले। चले फिर अब गौरीकुंड। हमको जाना है पार्वती सरोवर। अब हम मिलते हैं आपसे सीधे पार्वती सरोवर के रास्ते पे, क्योंकि बैटरी भी थोड़ी कम है यहाँ, बैटरी का कोई चार्ज करने भी साधन नहीं है। बैटरी चार्ज हमारी सीधे अब गुंजी पे ही होगी, क्योंकि पावर बैंक हम लाए नहीं। हमने सोचा कि बैटरी चल जाएगी, लेकिन थोड़ी कम है। तो हम मिलते हैं आपसे पार्वती सरोवर पर। हम निकल गए अभी पार्वती सरोवर की ओर, भीम की खेती पार्वती सरोवर देखने के लिए।
वहाँ जा वहाँ से अच्छा लगा, वहाँ बहुत अच्छा लगा। ये गौरीकुंड आदि गिलास देख के अब हम जा रहे हैं भीम की खेती, पार्वती सरोवर देखने के लिए। फिर खाने के लिए हमने नीचे होटल में कहा कह रखा दूरी के हिसाब से खाने का रेट भी थोड़ा वैसे ही महंगा है, और देखते भी कितने आ गए हैं पार्वती सरोवर। भाई 11 बज रहे हैं यहाँ पे, हम सुबह गुंजी से निकले थे 6:30 बजे के आसपास लगभग गुंजी से निकले थे। यहाँ पहुँच के हमने आदि कैलाश और आदि कैलाश के दर्शन करे। पहले तो लग नहीं रहा था कि आदि कैलाश के दर्शन होंगे हमें, क्योंकि जिस हिसाब से सुबह बारिश हो रही थी और बादल लगे थे, लेकिन जैसे पहुँचे भोले की कृपा हुई और दर्शन पूरे हुए और गौरीकुंड भी देखा हमने। अब भीम की खेती और पार्वती सरोवर देखते हैं, चलो आपको दिखाते हैं आगे। अभी हम आधे रास्ते में देख सकते हैं, अभी आधे रास्ते में हमारे अनुरा चल रहे हैं मेरे आगे, और आगे हमारे तीनों भाभी और अपूदा और गणेश दा जा रहे हैं। अब आपको मिलते हैं हम पार्वती सरोवर पे। ओके, जस्ट अभी हम रास्ते में हैं, अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ओम नमः शिवाय, जय भोले। जोलीकोंग से, जोलीकोंग तक गाड़ी से, और जोलीकोंग के बाद घोड़े में जैसे जा रहे हैं भाई लोग, और या पैदल। अब देखिए पूरा खुल चुका है आदि गिलास, हमारा पूरा व्यू शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा आय नमः शिवाय। ये रास्ता अभी हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं। भाई लोग अभी दिखे थे ऊपर पे टॉप पे, शायद हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। ये जगह भीम की खेती नाम से जानी जाती है, इसको कोई भीम की खेती, कोई पांडव की खेती कहते हैं। इस पे खुद ब खुद धान उग जाते हैं, धान की खेती होती है खुद ब खुद, और ये थोड़े बड़े होते हैं उसके बाद अपना, लेकिन ये खिलते नहीं है, पकते नहीं है, उससे कुछ टाइम बाद ये अपने आप गायब हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। और हर साल ये खुद उगते हैं, ना कोई इन्हें उगाता है, ये खुद ब खुद उगते हैं।
मार रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत है, खच्चर घोड़े बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। मिल गए हमको हमारे साथी जो बिछड़ चुके थे, ये भाभी जी हमारी। पहुंच गए पार्वती सरोवर। ये अभी हम पार्वती सरोवर पहुंचे ही हैं, अभी नीचे जाएंगे यहाँ से और उसके बाद आगे देखेंगे और इस पार्वती सरोवर का। चले अब हम पार्वती सरोवर की ओर, सामने बगल में मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये थोड़ा आदमी चलेंगे, गाड़ी का रूट बंद है ना, ये भयंकर बना दिए रहे, देखो भयंकर भयंकर आदमी ने। ओके मेरे भाई, ये अभी हम पहुंच गए पार्वती सरोवर। हल्का सा ड्रोन से thank you.
चलते हैं अभी नीचे अपने बेस कैंप पे जॉलीकॉन्ग पे। वहाँ हमने अभी खाने का ऑर्डर दिया था, तो वहाँ खाने का ऑर्डर दे रखा है, तो वहाँ खाना खा के उसके बाद ये वापसी हम जा रहे हैं जॉलीकॉन्ग खाने के लिए। फिर वहाँ से निकलेंगे गुंजी को, इस रास्ते से जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहा है तो जल्दबाजी में इस रास्ते से शॉर्ट मार रहे हैं, शॉर्ट कट। कृपया करके अभी भी है शॉर्ट कट ना मारें, ये पहाड़ी बंदे हैं, ये पहाड़ी बंदे हैं, ये कहीं से भी आ जा सकते हैं, इनको परमिशन है। ये देखिए आराम से आ सकते हैं, ये पकड़ी गणेशा ये बगौर है, कहीं भी आ सकता है। चलो पहुंच गए हम अपने होटल में जॉलीकॉन्ग में खाने के लिए। ये रास्ता है, बस वहाँ ट्रैक समाप्त। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम पहुंच गए वापस, हमने अपना ट्रैक शुरू किया था लगभग 10:30 बजे के आसपास, और टाइम हो रहा है अभी 12:30। 12:30 जब हमारा ट्रैक समाप्त। इसी के साथ चलो अब खाना वाना खाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं जॉलीकॉन्ग, तो हम यहाँ पे अभी हम खाने का वेट कर रहे हैं, और साथ में हमारे अनुदा हैं। तो भाई बताइए आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, अचानक से हमारा प्लान बना, लेकिन प्लान सक्सेस रहा। हम गए गौरीकुंड और पार्वती कुंड, हमने वहाँ भीम की खेती भी देखी। और सबसे अच्छा क्या लगा था आपको इनमें से? गौरीकुंड और पार्वती कुंड दोनों। अच्छा, अब खुदा आप बताइए ये क्या था? भीम की खेती भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे अभी जैसे हम जैसे पहुँचे उससे पहले बादल लगे थे आदि कैलाश पे, लेकिन जब हम पहुँचे तो उस टाइम पे बादल हट चुके थे पूरे आदि कैलाश के, हमें दर्शन हुए। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने खाने का, उसके बाद थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलते हैं। जैसे खाना आता है इस जगह पे हमारा खाने का है, ये होटल है भाई का, और बगल पे डाइनिंग एरिया, लेकिन हम बाहर पर ही खा रहे हैं इस जगह पे ही ओपन में। चलो दिखाते हैं थोड़ी देर में आपको अपना लंच। लंच करके निकल गए हम, तो आगे जाते हैं आगे पे शहर के कुछ लड़के रुके हुए हैं हमारे लिए, उनसे मिलते हैं फिर चलते हैं उनसे मिलके। हम 5 हैं, वो भी 5 हैं, हमारा वेट कर रहे हो सुबह से, कब आएंगे करके। गाड़ी फंस गई यहाँ पे, एक गाड़ी फंस गई है, पांव जम गए पूरे, वहाँ है झंझम हुआ है पांव। हर टाउन हो रही है,
पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। गुंजी ओह ओह